और देखिए इस वक्त एक बड़ी न्यूज आ रही है। देखिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले पश्चिम बंगाल की खबर से कर लेते हैं, जहां कल नंदीग्राम में दीदी घायल हो गई थी। और अभी कोलकाता से एक बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टरों के मुताबिक ममता बनर्जी के बाएं पैर के टखने में गंभीर चोट आई है। दीदी के दाहिने कंधे में भी गंभीर चोट बताई जा रही है, बाजू और गर्दन में भी दीदी को चोट लगी है। इसके साथ ही अगले 48 घंटे तक ममता बनर्जी डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगी। जानकारी के मुताबिक रात में ही ममता बनर्जी का सीटी स्कैन किया गया था और उसके बाद एक टेम्पररी प्लास्टर भी लगाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए ममता बनर्जी कल नंदीग्राम में जब अपना नामांकन भरने के लिए गई थी, नंदीग्राम सीट से नामांकन भरने के लिए गई थी, तब उन्होंने ये बोला, आरोप लगाया था कि उनके ऊपर कुछ 4-5 लोगों ने हमला करा है, उनको धक्का मारा है, जिसकी वजह से उनके पैर पर चोट आ गई थी। इस वक्त वो SSKM अस्पताल के अंदर भर्ती है और डॉक्टरों के मुताबिक ममता बनर्जी के बाएं पैर के टखने के अंदर गंभीर चोट आई है। दीदी के दाहिने कंधे में भी गंभीर चोट बताई जा रही है, इसके साथ ही उनके गर्दन में भी चोट लगी है। 48 घंटे तक ममता बनर्जी डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगी। जानकारी के मुताबिक देर रात ममता बनर्जी का जो सिटी स्कैन था वो करवा लिया गया था, उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी और अभी फिलहाल उनके पैर पर एक टेम्पररी प्लास्टर भी लगाया गया है। अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं, उन्होंने भी एक तस्वीर ममता बनर्जी की ट्वीट करी और साथ में ये बताया कि आप चुनाव के लिए तैयार रहे, हम ताकत आपको चुनाव के अंदर दिखाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल और आदर्श हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आदर्श, इस वक्त ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है? आपसे कुछ देर पहले हम लोगों ने बात करी थी, तब आपने बताया था कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है। इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए अभी तक कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 8 बजे के आसपास हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी हो जाएगा। और अभी की स्थिति की बात करें तो अभी स्थिति सामान्य है। जो रात में पुलिसकर्मी थे उनकी ड्यूटी चेंज हुई है, नए पुलिसकर्मी आए हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो घुटने से नीचे की जो पसलियाँ हैं बाएँ पैर की, उसमें चोट आई है, टखने में चोट आई है और उसी को लेकर पूरी जांच पड़ताल चल रही है। ECG के साथ साथ सिटी स्कैन MRI तक हुआ है और ममता बनर्जी की फ़ोटो अभिषेक बनर्जी ने खुद ट्वीट की थी जिनके जिसमें उनके बाएं पैर में एक टेम्परेरी प्लास्टर लगाया गया है और उम्मीद है कि आज उनके पैर में एक परमानेंट प्लास्टर लगेगा और अगले 48 घंटे तक, अगर आज की बात करें यानी कल से लेकर आज तक और फिर 48 घंटे जोड़ लें इसमें, तो अगले 48 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी ममता बनर्जी। जी न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज़।